Hello guys and welcome to Life is About Flight. This is your host Kamal and today I'm heading towards Delhi. So मैं दिल्ली इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे मेरी वाइफ को पिक करना है. She is coming back from Assam. So मैं हूँ अभी रॉयल हेरिटेज पे. मैंने अपना ट्रिप मीटर्स कर लिया है जीरो पे एंड yep, let's see. डीजल वीजल भरवाया नहीं है, वो रस्ते में भरवाएंगे. खाना वाना कुछ खाया नहीं है क्योंकि मॉर्निंग के 8:30 हो गया. एक्चुअली मैं लेट हो गया थोड़ा. Let's see, कैसा रहता है आज का सफ़र बिकॉज आई विल बी ड्राइविंग अलोन. 7 hours जर्नी और 6 hours जर्नी अप्रॉक्सीमेटली. आई टू पिक समथिंग अप फ्रॉम जयपुर, सो वो भी टाइम ऐड करेगा. लेट्स सी हाउ इट गोस. मौसम एकदम ढांसू चल रहा है, हल्की हल्की बूंद बूंद गिरने लग गई है. अरे यार, ऐसे मौसम में ड्राइव करने का अलग ही मज़ा आता है. लगता है टाइम अच्छे से निकल जाएगा. वैसे मैं अकेला ड्राइव कर रहा था, मुझे लगा मैं बोर वोर हो जाऊंगा, बट ठीक है, मौसम जब अच्छा हो तो यार. बाबा कुछ ज़्यादा ही भयंकर बरसात, गाड़ियाँ गायब हो रही है. तेजी बरसात है जहाँ, जिसमें मैं तेज चलाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा. कुल्लू के बाद जाके बरसात भयंकर आई है एकदम. बट अच्छा है यार, बरसात की ज़रूरत भी थी. मानसून सीजन चल ही रहा है तो अच्छी बात है. मौसम तो बहुत धांसू चल रहा था अभी तक. ऐसा लग रहा था इससे बेस्ट मौसम में मैंने ड्राइव नहीं करा इस वाले पर्टिकुलर हाईवे पे. एवरीथिंग ग्रीन एंड यू नो ब्यूटीफुल, बट अब जाके इतना भयंकर बरसात आ रहा है कि अब आई थिंक गाड़ी थोड़ी कितनी 70 के आसपास ही चल रही है. ज़्यादा फास्ट चलाने का मतलब भी नहीं है, रोड स्लिपरी हो जाते हैं एंड यू नो बेटर नॉट टू टेक एनी रिस्क इन सच वेदर. वैसे तो ABS वगैरह है गाड़ी में हेल्प वगैरह करने के लिए, बट स्टिल ना. हे गाइस, सो पार्सल पिक कर लिया जयपुर से. मैं जयपुर पहुँच, मतलब बागरोटा एक्चुअली, जयपुर नहीं. तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था अप्रॉक्स 10:958, यू नो 10 ऑलमोस्ट. और अभी हो रखा है टाइम 10:22 और मैं हूँ 200 फीट बाईपास, विच इज़ लाइक अ क्रॉसिंग पॉइंट फॉर दिल्ली. सो इट्स लाइक आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड स्टार्टिंग माई राइड एट 10:23. जब से राइड स्टार्ट करी है ना, तब से क्या धांसू वेदर हो रखा है ना. मतलब अभी हुआ है 10:49 एंड द वेदर इज़ लाइक कि अभी मतलब क्या बोलूँ, शाम ही चल रही है मेरी तो सुबह से. ये बहुत धांसू वेदर है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में एंड ट्रैफिक भी थोड़ा कम ही है बिकॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ कोविड. अदरवाइज़ ये जयपुर दिल्ली का रूट बड़ा बिजी रूट रहता है, बट काफ़ी अच्छा है. मतलब क्रूजिंग एट अराउंड 90-80-100 ऐसे ही चल रहा है. मैं इकोनॉमी मूड में चला रहा हूँ इस बार नेक्सॉन को, नॉट इवन सिटी मूड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना एवरेज हो सके निकाल लो भाई, कुछ पता नहीं है साला डीजल का रेट. लास्ट टाइम मैं जयपुर गया था एक हफ्ते के लिए, जब जा रहा था तो 97 का रेट था, आ रहा था तो 98 का रेट था. दैट्स हाउ द प्राइस इज इंक्रीजिंग. सो जितना हो सके इकोनॉमी मोड में चला लो, वैसे भी खाली रोड है. सो आफ्टर बीइंग स्टक इन दिस हैवी ट्रैफिक, किसान आंदोलन का ट्रैफिक है ये एक्चुअली. सो इसके चक्कर में आधे घंटे से मैं गाड़ी में बैठा था. मुझे पता चला कि पीछे से एक कोई रास्ता है जिसके थ्रू मैं निकल सकता हूँ, बट मैं रिवर्स मार के किसी तरह से आ गया. किसी हेल्प से मैंने डाल दी रॉन्ग साइड में, नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग साइड, बट मैंने सेम रोड पे रिवर्स लिया एंड देन मैं यहाँ पे आ गया हूँ. अब मुझे क्रॉस करना है ये पडल, बट आई एम नॉट श्योर कितना डीप है, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप हुआ तो बम्पर जाएगा मेरा. ऑलराइट, सो ये डिवाइडर है एक्चुअली एक बीच में. दिस इज़ द सर्विस लेन रोड, दिस इज़ वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ. मतलब मेरी गाड़ी रॉन्ग साइड में, एक्चुअली दिस इज़ द वे वी शुड कम. तो मुझे इस साइड जाना है बिकॉज अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स वहाँ पे एक गली है. ठीक है, वहाँ पे एक गली है एंड प्रॉबेबली वो आगे जाके गांव में कनेक्ट होती है, बट ये जो डिवाइडर है इसकी वजह से दिक्कत आ रही है. और अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रैक्टर क्रॉस हुआ था, मैंने नोटिस नहीं करा उसका टायर कितना अंदर गया, बट ना आई नोटिस कि वो एक बार में तो नहीं जा पाया था. अब आई डोंट नो वो स्लिप हुआ इस वजह से या फिर वो डीप था इस वजह से या कुछ फॉर रीज़न. वही नेक्सॉन से भी लो भाई, नेक्सॉन से भी डिवाइडर खुदा दिया हमने, खुदा रहा हूँ, होपफुली कुछ होना.
डिवाइडर खुदा दिया एंड नाउ ऑन दिस ब्यूटीफुल रोड। भाई डिवाइडर खुदाने में इतनी फट रही थी ना मेरी कसम से कि भाई गाड़ी अड़ना जाए मालूम चले साला यही बैठना पड़ जाए कुछ कांड वांड हो जाए 20 के चक्कर में। तो बट ठीक है, अच्छी बात है, अपने पास ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया में तो डेफिनेट मस्ट है यार, आपको पता ही नहीं चलता क्या कांड हो जाए कुछ। मैं तो है ना वो वाले पॉन्ड का वेट कर रहा था कि बरसात कम हो और मैं पॉन्ड चेक करूं, लेकिन वहां पे एक भैया ने बोल दिया, अंकल ही थे एक्चुअली भैया, तो क्या कि भाई मेरे पास तो पजेरो है, मैं ही नहीं निकाल रहा यहाँ से उस पॉन्ड से नहीं। वो बोला आगे रास्ता जो है वहां पे वो पूरा खड्डे वड्डे वाला है, बोलते मेरे पास तो पजेरो है, मैं ही नहीं निकाल रहा। मस्त दिल्ली वाले प्रॉपर टोन के अंदर बोला वो। मुझे लगा भाई छोड़ दो भाई, अगर ये नहीं निकाल रहे तो फिर अपनी नेक्सॉन, तो मतलब पजेरो के बारे में डर रहे वो तो अपनी, तो फिर नेक्सॉन है साला क्यों रिस्क लेना। और फिर उसी टाइम पे थैंकफुली एक और रास्ता मिल गया कि भाई उल्टी साइड में भी जा सकते हो डिवाइडर की साइड में। यहाँ पे भी गजब भीड़ है क्योंकि गांव का रास्ता है और इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही है तो ऑफकोर्स भीड़ तो लगनी है, ऊपर से आगे पजेरो वजेरो टाइप की गाड़ियाँ भी है लंबी लंबी। तो फिर ये देखो वाटर पडल, बचपन में मजा आते थे क्योंकि बचपन में हम जीप में घूमते थे, जीप में इन बातों का टेंशन नहीं रहता। और ओ भाई अब गाड़ी के अंदर से तो पता नहीं चलेगा बट ये काफी डीप था जिस हिसाब से उसका टायर डूब गया ना पूरा। अपनी गाड़ी में भी नेक्सॉन के मजे ऑफ रोडिंग के। भाई मुझे घंटा रास्ता नहीं पता इस जगह का और मैं बिना मैप के बस फॉलो किए जा रहा हूँ, ये होता है अलग लेवल का टेक्निक। मतलब गलती से किसी बंदे को कहीं और जाना हो तो सब लोग उसी को फॉलो करते जा रहे हैं पर ठीक है होपफुली ऐसा तो नहीं होगा। यही रोड चल रहा है आई थिंक, आधा घंटा तो हो गया मुझे इस रोड में अप्रॉक्स, लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि वो पेडल वेडल बंद हो गए। Thanks for watching guys, do let me know how you like this video, this style of vlogging, it's very raw but I wanted to experiment with this, so please let me know your thoughts in the comment section below and do subscribe to my videos, my channel. मुझे पता भी नहीं था तेज वाइपर चलते हैं ये वाले एक और क्लिक करने पे। चलो यार अब यही होगा बस, अब घर पहुंच जाऊंगा जल्दी से। 5 बजे अराइवल दिखा रहा है, पहले वाला अराइवल 3 बजे था, 2 घंटे पड़ गए थे। बताओ